मैं देख रहा हूँ आप बहुत देर से बैठे हो, तो आप इस रोड में क्या करने आए हो? लड़की बाजी लड़की बाजी लड़की बाजी सारे बिकनी थी जिसने हमें खिला इतनी सी आइसक्रीम, 100 रुपए की आइसक्रीम है गाइस। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आज हम करने वाले एक बहुत शानदार प्रैंक। देखो भैया, स्नेक, तो आज हम करने वाले स्नेक प्रैंक। तो अभी क्या बोलते हैं, भंडारी की दुकान में जो भी कस्टमर आएगा, हम उसके पैर में हाथ में डालेंगे, उनका रिएक्शन देखेंगे कैसे रहता है सांप को देख के। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी कोई कस्टमर आ रहा है, तो उसको डराने के लिए अभी मुक्कुल ने सांप नीचे डाला था। उल्टा थक रहा यार, हाँ वो सही सही है, वो सही थी। क्या है भैया, डरे क्या? अरे बहुत डर गया इससे यार। क्या है? थोड़ा हटना, थोड़ा दो। साथ में कह रहे मतलब तुम मेरा कुल्ला करा था, कह रहे मतलब भरपूर। अब तो सर बोल दे, ऐसे मजे पे मजे हुए। तुम अल्टीमेट लेना चाहते थे, तो गाइस अभी आ गया हूँ मैं रौसला वाली रोड में, और अभी भंडारे करने वाला है यहाँ पर। तगड़ी कॉमेडी आज भी फिर से। और अभी बॉबी और भरत ने लिया नई गाड़ी ली है, रोड रोलर देखा इन लोगों ने, अभी यहाँ पे रोड बना रहे बढ़िया। ले रही गाड़ी भाई, आ गया हमारा मुक्कुल, करे फन भंडारे इंटरव्यू लेते। अरे कुछ नहीं, आ जाओ। अरे तू ले गई। अरे मेरे भाई कुछ नहीं है, गलत थोड़ी है, आ जाओ भाई। मैं तुम्हें इस रोड में मतलब सुबह शाम देखता हूँ सर। तुम रनिंग करने मतलब कितने दिनों से आ रहे हो? हो गया टाइम, हो गया यार, करीबन 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने, 4-5 महीने हो गए। तो मतलब तुमने अभी इतने टाइम से मतलब इस रोड में दौड़ लो, मतलब क्या उखाड़ दिया? मैं ये पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हें इस रोड में 2 साल से देख रहा हूँ। इससे अच्छा कुछ कर लेते, तुम्हारे में जूते देख रहा हूँ चेंज होते रहते हैं, पैसा इतना खर्च रहता है, घर वालों के इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। इससे अच्छा तुम कुछ और में ट्राई करो, जैसे कि हमारे इधर जाना पा रहे, वहाँ जॉब करो, वहाँ अच्छी कमाई है। बाहर आर में जाना पसंद नहीं है ना, बाहर में जाना पसंद नहीं है। कितना है भाई? चलो जाने वाला नहीं है। मतलब तुम्हें क्या जॉब तुम्हें क्या पसंद है ये बताओ। भर्ती होना है। भर्ती होना है? 2 साल से कौन भर्ती होता है? मैं तुम्हें देख रहा हूँ 2 साल से, तुम सुबह शाम दौड़ने आ रहे हो, क्या भर्ती होना है बताओ भाई। ब्रेस्टार में मत कर, सुनाओ क्या करें यार, वेट चल रहा है, देखो कब तक आती है भर्ती। लास्ट यही एम है कि भर्ती होना है, चाहे पुलिस में चाहे आर्मी में, दोनों में से एक में किसी। अरे समझ जाओ, कोई लड़की यहाँ से चल रही है, तुम दौड़ लो। स्मार्ट सी लड़की है, बहुत स्मार्ट, मतलब समझ जाओ ऐसी लड़की है ना, मक्खन निकल जाए। तुम्हारी शांति भंग करेगी नहीं करने, करेगी रनिंग करने में? वो तो अपना अपना मानना है, हमारी अपने लिए करेगी, पर हम लोग उसकी तरफ नहीं देखेंगे, नहीं देखोगे को पैसा बर्बाद। यार एक दिन तुम्हें दुकान के आगे से जाते एक लड़की गई, उतनी अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन तुम उसे घर तक का तार गया, मैंने देखा था। देखा था मैंने यार, ऐसे काम नहीं करते हम। देखो अभी ये देखो, कह रहा ये तो पलट गए, तुम जज्बात पलट गए, सब पलट गया, सब कुछ पलट गया, लेकिन देखा था एक बार मैंने तुम्हें। ए बॉय, ऐसे
ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। हम किसी को घर तक आज तक छोड़ने नहीं है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। आंखें तुमने वहां तक काट दी थी घर तक। ऐसा कुछ नहीं है। कौन है वो लड़की का नाम तो बताओ। मैं बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। क्या बताओ, कैमरे में तुम्हें दिखाऊंगा जरिए मैं। चलो छोड़ो, देखता हूँ मैं जे आर भाई का, देखता हूँ मैं ब्लॉग। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा भी चैनल है यूट्यूब पे, पहाड़ी भाई का UK04 करके। तुम्हारे विवेक मिश्रा जी, भरत भाई और सोनू भाई, तीनों का इंटरव्यू होगा हमारे भंडारी जी लेंगे। अरे बैठे लोग। हेलो 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 मैनेस्टी, हेलो हेलो एनडी पीजे करे, आ जाओ आ जाओ। ये सही है। तो भाई साहब, आप यहाँ मैं देख रहा हूँ आप बहुत देर से बैठे हो, तो आप इस रोड पे क्या करने आए हो? लड़की बाजी। जैसा कि आप ये भाई साहब ने आपको बताया दिया है लड़की बाजी। सोच ही हमें ऐसी लड़की होता की है ना, इनकी सोच हमें अपना स्टैमिना कवर करना है। झूठ बोल रहा। देखो आप इनसे पूछिए, आप बताइए कौन सा वाला। भाई साहब बहुत देर से बैठे, आप कह रहे बैठे बैठे स्टैमिना कवर करना है। आपके साथ वाले कब की दौड़ के चले गए, और मैंने देखा ऊपर एक लड़की गई है उसके चक्कर में आप कब से यहाँ बैठे हो। तो आप बताइए, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलोगे थप्पड़ मारूंगा मैं। झूठ मत बोलो ना, झूठ बोलो ना ना। ये फंस गया सी है। भाई अभी यहाँ पर प्रैंक करने के लिए हम ढूंढ रहे किसी को, पर यहाँ लोग मिल नहीं रहे, तो मुकुल हमारा भी ऐसे ही बैठा है खाली। अब पता नहीं कौन आता है। चाचा आ रहे पीछे से। काफी थक चुके हैं यहाँ पर, और अभी कोई आ रहा है, देखते हैं इनके साथ वीडियो कैसी बनाता है। आज हमारे साथ हमारे भाई लोग आए हैं। पानी की बोटल है, पानी की बोटल है इसमें। सोनू कहाँ जा रहा है यार? अरे शर्मा गई, प्यारी समझ गई। शर्मा गई, प्यारी शर्मा गई। तो गाइस अभी हम आए थे वॉक करने यहाँ पर भंडारी सोन हम सब, तो अभी 2 किलोमीटर तक ऊपर गए। अब हम थोड़ी देर में जाते हैं घर को, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, टाइम 5:30 समथिंग हो गया। तो अभी हम घर में आते हैं, और यहाँ पर भी थोड़ा प्रैंक करने की कोशिश करी बट नहीं हो पाया। तो गाइस अभी थोड़ी देर में जाता हूँ घर, और दीदी को भी छोड़ना अभी घर को। सी आलो रियल आए घर में, ये आई हमारे घर। सी यू, मैं जा रहा हूँ जी, आपको बेग वहाँ छोड़ेंगे। दिखाओ। ओ वाओ, मिकी माउस, ये कौन बना रखा है? ये इतना खूबसूरत कौन है? ये मैंने कोई विवेक मामा बताया जो ऊपर बैठे। विवेक मामा है। चल फिर बाय। चल बाय। तो गाइस अभी पहुंच चुका हूँ जिम में, और काफी टाइम बाद आया जिम। मैंने लगा ऐसा रहा है कि अभी आज से जिम स्टार्ट किया है, तो यार अभी थोड़ा वॉक कर लेता हूँ और उसके बाद जिम स्टार्ट करता हूँ। तो अभी थोड़ी देर मिलता हूँ आपको। गाइस आज का वर्कआउट हो गया है कंप्लीट। वीडियो मैंने नहीं बनाई, ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, तो आज का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं घर को। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले जिम से भी आ गया, घर में खाना वाना खाया, और अभी थोड़ी देर वॉक में निकला हूँ। और विक्कीदा हमारे बहुत अच्छे सिंगर है, गाना गाने के लिए कहते हैं, वैसे गाते हैं नहीं, पता नहीं कब सुनाएंगे सॉन्ग। तो अभी फिलहाल ये जा रहे हैं कुछ दिनों बाद केदारनाथ चारधाम यात्रा के लिए, तो शायद हम लोग भी जाए। क्यों? बिल्कुल भैया, इस बार जो है सारे ग्रुप के साथ जाएंगे श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में। ऐसा मौका मिल जाए तो यार बहुत बढ़िया है, विक्कीदा के स्थान पर भी चार धाम यात्रा यार। बाबा जी की पंचमुखी विग्रह डोली जो है आज पहुंच गई है श्री केदारनाथ अपने परम धाम। हाँ। और कल जो है सुबह 6 बजे जो है बाबा की जो है कपाट, दिव्य कपाट खोल दिए जाएंगे श्री केदारनाथ धाम जी के, और सारी जगह जो है सुखता और समृद्धि का वातावरण होगा पूरे ही जो है विश्व में। तो और 8 तारीख को खुलेंगे श्री बद्रीनाथ जी के कपाट। तो मेरी कोशिश यही है कि जो है कल जो है मैं निकलूं बद्रीनाथ धाम जी के लिए। अच्छा। ताकि जब उनके कपाट खुलते हैं तो उस दिव्य मुहूर्त पे जो है मैं वहाँ पर रहूं, और जो वहाँ की दिव्यता है उसका अनुभव करूं। तो कल हम निकलेंगे श्री
बद्रीनाथ धाम के लिए, और बाद में हम सब साथ में जाएंगे। तो गाइस क्या पता 4-5 दिन बाद हम भी निकले और क्या पता साथ में वहीं मिल जाए, तो हमारा भी कुछ रैंडम प्लान बन सकता है। अब देखते हैं फ्रेंड लोग जाते नहीं जाते हैं। तो गाइस अगर आप लोग देख रहे हो वीडियो, जो हमारे साथ जाना चाहते हैं बद्रीनाथ, तो आ सकते हैं आप, क्यों, और अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत अनिवार्य है, और कोविड रिपोर्ट, और कोविड रिपोर्ट उतनी ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। जो आपको 2 डोज लग गई है आप उसका सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन बहुत अनिवार्य है, उसके लिए आप ई उत्तराखंड साइट पर जा सकते हो, जहाँ पर आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो गाइस अभी घूम रहे थे हम लोग, और क्या बोलता आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, हम भंडारी के पास गए, और भंडारी ने लोगों को बताओ गाइस अपने टाइम भी, भाई ने 12 बजने वाला है अपने के लिए, 12 बजने वाला, तो भाई ने अपने के लिए दुकान खोली थी, तो आइसक्रीम भाई ने अपने के लिए दुकान खोली, और अभी आइसक्रीम भी खिला रहा है अपने पैसों से। किसी को भी आइसक्रीम खानी है तो भाई के साथ वीडियो बनाओ, आई आइसक्रीम पाओ, ये स्कीम चल रही है, ये स्कीम चल रही है यार। वो कौन इतना 60 वाला, कौन सा 60 वाला, सबको पता है इसका आता है खाली की पता है। मुझे बता दे सबको, स्कीम वाली खाता हूँ मैं गाइस, ये वाली रोज खाता हूँ, जब भी कोई फ्रीकी खिलाता है तो पैसों की मैं 10 रुपये वाली खाता हूँ, अपने पैसों से 10 रुपये अपने पैसों। चल निकाल ले बड़े बड़े अपनी तरफ से, जिसको आइसक्रीम खानी है अभी पहुँच जाए। मुगल एक दिन डीप फ्रीज खाली करके ना, क्या लिए पता नहीं हो, डीप फ्रिज में घुस गया बिल्कुल, एक दिन डीप फ्रिज खाली करके तू इसके अंदर से निकलना ठंडे में बिल्कुल। अबे ये कौन सी है, सैंडविच है भाई हमें खिला रहा है, देखिए मैं बता रहा था फ्री में ये खा रहे, अब नहीं खा रहे भाई तूने खोल दिया, अब हम नहीं खा रहे। अबे सारे बिक नहीं रही थी इसलिए हमें खिला रहे इतनी से, चीटिंग करता है तू, 100 रुपए की आइसक्रीम है गाइस, इसके फोटो खींच लो ज्यादा बस, खाने की तो लग नहीं रही है, स्नैपचैट बना लो भाई, इतनी महंगी आइसक्रीम का इसने हमारे साथ स्कैम कर दिया है, ऐसी आइसक्रीम दे दी हमें, हमसे कह रहे बहुत अच्छी अंदर बहुत बड़ी आइसक्रीम करके। मेरे बच्चे मैंने तुझसे कहा था, रणभूमि में हो युद्ध हो से पहले मन भूमि में खेला जाता है, तो हमारे साथ भी खेल गया है, खेल गया हूँ, समझ में नहीं आ रही है ये क्या कहते हैं पता है, कहाँ है ड्राइवर इसका, क्या बोला तूने, कहाँ ड्राइवर इसका, चुप हो जा सातवीं फेल फालूदा है कसाटा। अभी आप भंडारी की शॉप में आओगे ना तो ये क्यूआर कोड जरूर देख लेना, इसको स्कैन करना मजा आ जाएगा, इसको स्कैन करते ही आपको 10% डिस्काउंट कुछ भी आप यहाँ सामान लोगे तो मिल जाएगा, तो मतलब आपके अकाउंट में खुद ही 100 रुपीज चलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये वो भी हमारे भंडारी की तरफ से। तो वैसे अभी घर आ गया था, और ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करते, ब्लॉग कहीं भी करते हैं, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।